नमस्ते, मैं रेखा मिश्रा अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊँगी रेस्टोरेंट जैसे मटर पनीर। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी रेसिपी सबसे पहले आप ये बनाते हैं। पहले मैं अपनी सामग्री बताऊँगी। मैंने 250 ग्राम मटर का दाने लिए हैं। इसे मैंने धो करके अच्छे से पानी में उबाल लिया है पहले से ही। वही 250 ग्राम पनीर है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे भी मैंने काट लिया है। 4 प्याज है बड़े में, उसे भी टुकड़े कर लिए हैं मैंने। 2 चम्मच मलाई है दूध की, अगर घर की मलाई नहीं हो तो आप क्रीम भी यूज कर सकते हो। 2 टमाटर मैंने लिया है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, 8 से 10 12 काजू मैंने, इसे भी मैंने भिगा लिया था 3-4 घंटे पहले, तो आप भी भिगा लीजिए। 4-5 कली लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 तेज पत्ते, 1/2 चम्मच नमक। बनाने के लिए तेल या बटर, मैं तेल में बनाऊंगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगी मिक्सर का भांडा, छोटा वाला चटनी वाला है ये, तो सारे मसाले को मैं पीस लूंगी। तो पहले मैं लूंगी क्रीम, जो दूध की मलाई मैंने घर की रखी है, उसी के साथ सारा काजू, और इसे मैं अच्छे से पीस लूंगी। पीस लिया है मैंने काजू और मलाई को। इसी तरह से मैं अपने सारे मसाले, प्याज टमाटर सब मसाला मैं पीस लूंगी बारी बारी। प्याज को भी मैंने पीस लिया, अदरक लहसुन, 1 चम्मच जीरा डाल के। इसी तरह से मैं अपना टमाटर भी पीस लूंगी। अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है, दालचीनी, एक चम्मच जीरा हमारा जलना नहीं चाहिए। तुरंत मैं इसी के साथ जो मैंने प्याज पीसा था उसे मैं डाल दूंगी। गैस को फास्ट करके इसे मुझे चलाते ही रहना है, जब हमारा प्याज जब तक ना पके भूनते ही रहना है। प्याज हमारा भून गया है। जब प्याज भूनने लगता है तेल अपना छोड़ देता है। अब मैं इसी के साथ मैं डालूंगी सारे मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च है तो मैं डालूंगी 2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला में मैंने धनिया भी डाल के इसकी रेसिपी मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी। सारे मसालों को भून लूंगी इसके साथ। मसाले भी हमारे भून गए हैं। अब मैं इसी के साथ डालूंगी टमाटर। प्याज के बाद मैंने बताया था मैं टमाटर भी वैसे ही पीस लूंगी। टमाटर मैंने कुछ नहीं डाला था, 2 टमाटर हमारा है बड़े बड़े, छोटे हैं तो 4 डाल दीजिए। अब इसे भी मैं भूजूंगी। गैस हमारा फास्ट ही है। टमाटर जब पक जाता है तो बहुत अच्छा कलर छोड़ता है, तब तक मुझे पकाना है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक दूंगी 2 मिनट के लिए। गैस को करूंगी मीडियम और 2 मिनट बाद मैं इसे फिर से देखूंगी। मैं अपने मसाले को देखूंगी, इस तरह से तेल हमारा सब्जी छोड़ने लगा है और टमाटर भी पक गया है। टमाटर डालने के बाद 2 मिनट ढक दो, उसकी खुशबू भी पूरा मसाले पड़े रहते हैं तो अच्छे से पक जाता है। अब मैं इसी के साथ डालूंगी जो मैं काजू और मलाई को मैंने फेटा था, उसे भी डाल दूंगी और अच्छे से गैस को फास्ट करके चलाऊंगी। और इसी के साथ मैं डालूंगी मटर। मटर मैंने उबाला था, ऐसे भी डाल सकते हैं लेकिन थोड़ी कड़ी रह जाती है। अगर आप उबाल के डालेंगे मटर को तो बहुत अच्छा स्वाद मिल रहेगा। ऐसे भी मुझे चलाते रहना है।
कितना सुंदर सब्जी का हमारे कलर आया है। पक गया है हमारा मसाला। अब मैं इसमें डालूंगी एक कटोरी पानी। थोड़ी ग्रेवी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। देखिए थोड़ा पानी डालूंगी ताकि सब सब्जियां अच्छे से पक जाए। एक कटोरी मैंने पानी डाला है, जिस कटोरी से मैंने क्रीम लिया था। एक कप पानी होगा ये अंदाज से। अगर आपको थोड़ा पतला खाना है पानी और डाल दीजिए, लेकिन मटर पनीर तो थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। एक और आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। एक चम्मच चीनी। चीनी से कभी भी आप खाए होगे होटल का मटर पनीर तो उसमें थोड़ा मीठापन रहता है, इसलिए चीनी डालने से स्वाद टमाटर का स्वाद जो है वो दुगना कर देता है खटासपन से, इसलिए थोड़ा चीनी डालते हैं। अब मैं इसे ढकूंगी और 2 मिनट इसे मैं पकने दूंगी। मीडियम हमारा गैस रहेगा। देखूंगी अपनी सब्जी, देखिए कितना सुंदर पक गया है हमारा सब्जी। जब पनीर मसाला सब्जी पक जाती है तो अपना साइड में सारा कलर और तेल छोड़ देता है। बहुत सुंदर कलर आया है। अब मैं इसी के साथ में डालूंगी पनीर। पनीर हमारा घर का बना हुआ है। इसकी रेसिपी आप हमारे आई बटन पे देख सकते हैं। गैस को करूंगी मीडियम। पनीर डाल दिया है, 2 मिनट पनीर को और पकाऊंगी। और मैं लूंगी कसूरी मेथी, ये देखिए हाथ में ली हूँ। और इसी के साथ मैं डालूंगी कसूरी मेथी। 1 चम्मच कसूरी मेथी लिया है। इसे हाथ से ऐसे मल के फिर डालना है क्रश करके। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छा खुशबू भी आती है और स्वाद भी अच्छा हो जाता है। 2 मिनट इसे और पकाऊंगी, उसके बाद मैं सर्व करूंगी। हमारा मटर पनीर तैयार हो गया है। 2 मिनट बीत गया है। सब्जी हमारी कितना सुंदर कलर आया है, पक गया है। अब मैं इसे सर्व करूंगी। ये देखिए इसे मैं सर्व करूंगी। अब सब्जी ठंडी होने के बाद और ही गाढ़ी हो जाएगी और सुंदर कलर आएगा इसका। सर्व कर लिया मैंने मटर पनीर की सब्जी, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी बनाइए, बहुत इजी तरीके से मैंने बनाया है। आप भी बनाइए, खाइए, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इसे रोटी, चावल, पूरी, पराठा, मेहमानों का स्वागत कीजिए, खुद भी खाइए। जल्द लौटूंगी किसी नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।